अरे 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, पूरे 2 अरब लोग कहेंगे आ गए तुम बर्बाद होकर। अरे भाई ये तो होगा, ये तो होगा, क्योंकि नाक का डसा हुआ भी बच जाए, शीश नाक का डसा हुआ भी बच जाए, लेकिन पाकिस्तान का डसा हुआ चाहे वो सुपर पावर 2 हो 1 हो नहीं बच सकता। वालेकुम नाज़रीन, 4 स्टार कैफे में खुश आमदीद, मैं हूँ यूसुफ बुखारी। कमाल था, कमाल। नहीं हो रहा था कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 स्टार कैफे में खुश आमदीद, मैं हूँ यूसुफ बुखारी। मैं हूँ अब्दुल मनान। मैं हूँ मसूद अहमद राजपूत। और मैं हूँ नवीन अंसारी। आप नाम ना लिया करें, आपका नाम मैं लिया करूँ। ये हैं मसूद राजपूत अहमद साहब। फिर गलत हो गया, माफी चाहते हैं, लेकिन खुशी में हम जज्बात में बह रहे हैं और हम बहुत ज्यादा खुश जीतने पर नहीं है, किसी के हारने पर है, वो कौन है हमें नहीं मालूम। लीजिए जनाब, तो आज पाकिस्तान जो है वो जश्न मना रहा है कि किसी के फाइनल में क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, सूरत हाल जो है वो काफी ज्यादा क्लियर हो रही है। लेकिन 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 आप लोगों को पता है, इस वक्त हमारे हमसाय मुल्क के वजीर आजम जो है मोदी साहब, उन्होंने एक रूह बुलाई हुई है आइंस्टाइन की, उनके साथ स्टीफन हॉपकिंस की भी रूह बनाई हुई है। अच्छा। इन दोनों रूहों ने ये हिसाब लगाया कि कौन जीते कौन हारे, ये अगर इतनी एवरेज ले वो इतनी एवरेज ले, और उनके हाथों में लॉट लग चुका है और वो लॉट छूट नहीं रहा। अरे मेरे भाइयों, अगर आपने पाकिस्तान की टीम के साथ रहना था तो फिर एंजॉय भी करना था, तो ये एक फन की बात थी जी। मुबारक हो कि पाकिस्तान जो है उसकी सूरत हाल तो क्लियर है, लेकिन हमारे चाहने वाले जो है ना, उनकी तबीयत थोड़ी सी साफ हो रही है और वो होनी भी चाहिए। जी जी, जरूरत भी थी सर। क्या है जी मीम्स, बताइए जरा इंडिया के हारने पर। अच्छा जी, ये ना मैच के दौरान मीम आई थी, उमर सैफ साहब ने ये पोस्ट की थी, मेरे भाई हिम्मत करें, हमने आपसे अभी फाइनल भी खेलना है, आप तो दिल ही छोड़ गए। बड़ी हसरत थी जी लोगों को, फाइनल में पहुंचेंगे पहले, यार तुम क्वालिफाई तो कर जाओ, क्या हो गया यार, क्या हो गया। आज स्कॉटलैंड के साथ इनकी नंबरिंग आप देखें चार्ट में, स्कॉटलैंड शायद अब कल तक वो भी ऊपर ही आ जाए, हो सकता है। अच्छा अगली मीम चेक करें, नंबर वन टीम, नंबर वन बैट्समैन, वो पड़े हैं उठा लो। ये वैसे इन्होंने लिखने की कोशिश पता क्या की है, नंबर वन, नंबर वन। आगे जनाब अगली पोस्ट क्या है जी, पाकिस्तान इस वक्त कंफर्टेबल जोन में और जाहिर है उसे एंजॉय करना चाहिए, बाकी टीमें आपस में मुकाबला लड़ रही हैं। क्रिकेट भारत जीत रही है जी, अच्छी बात यह है कि शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, लेकिन इंडिया की तरफ से नहीं, अफसोसनाक बात है। हर भजन जब मैच देख रहा था ना, नीचे बंदे के कमेंट चेक करो, बंदे ने कहा है सर थोड़ा दूर से देखो मैच तो खराब ही है, आंखें भी खराब कर लो। हर भजन को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, और ये भेजा किसने, ऊपर लिखा हुआ ठंडी मीम्स, ठंडी। अच्छा सिचुएशन, अच्छा कोई कोई ना बोले, चुप चुप, इसको गौर से देखो, लगता है थोड़ी देर में ये फट जाएगा फूल के। ओह गॉड, इंडिया के सिचुएशन के बाद ना एक नई मीम आ रही है जिसमें शोएब अख्तर साहब ने मीम किया है, लिखा है बकायदा, हाँ जी वॉक ओवर चाहिए था। हरभजन से भाई बनता है पूछना, शोएब अख्तर का पूछना बनता है उससे। अच्छा, इसकी दोस्ती भी है हरभजन से, और हर चैनल पे ये दोनों गपशप भी करते हैं, टॉन्ट भी करते हैं, अपने अपने मुल्क को प्रेजेंट भी करते हैं, अच्छा है, अच्छे एनवायरमेंट में हम बात कर रहे हैं। आगे जी, नेक्स्ट जी, पाकिस्तान सिक्योरिटी मैनेजर है कोई, उन्होंने लिखा है हमसे हारे हुए दोनों मुल्क आज आपस में मैच खेल रहे हैं, भारतीय टीम 110 रन बना सकी, अब न्यूजीलैंड की बारी है, अब इनमें से जो भी जीते हम उसकी मजीद सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे। T20 ट्रॉफी इस बार हमारी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अफगानियों का कल से पाकिस्तान में छल्ली महंगी करने का ऐलान। और मारो छक्के, और मारो छक्के। ओह ये वाह कमाल, शादी के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करते अब।
एग्जाम क्लियर होने के बाद कौन पढ़ता है यार? तो भाई ट्रॉलिंग भी बहुत हो रही है भाई, इंडियंस जीने नहीं देंगे इन लोगों। आपको पता है कि आज इंडिया में जितने भी ये प्लेयर्स खेल रहे थे, हाँ? वो सबके घर के बाहर जो है सिक्योरिटी 2-3 गुना बढ़ा दी गई थी। ये यूं ही करते हैं, ये यूं ही भाई इंडियंस ना, इनको तकलीफ उठ जाती है। आपको याद हो तो एक सेमीफाइनल होता है जिसमें स्टेडियम में आग लगा दी। हाँ जी यार, ये क्या है यार? सही बात, वो इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया, चेक करें। नेक्स्ट वही साहब दोबारा आ गए, अब डिटेल के साथ आए हैं। इंडिया मेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग नो बाउंड्री इन 10 ओवर्स। गुड, एक मिनट, इस पे बनता है, इस पे बनता है। अच्छा ये वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई तोड़ सके, क्योंकि गलती से कहीं ना कहीं चौका लग ही जाता है। सही बात। अच्छा जी, मम्मी आज चाय कप में क्यों नहीं दी? बेटा कप तुम्हारा बाप लेके जाएगा। सर ये आप इसके मरासियात है जी, उन्होंने एक मीम भेजी है कि चले रे कोहली चलो वापस चलो। अब अगर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए, पाकिस्तान नामीबिया से हार जाए और इंडिया स्कॉटलैंड से 500 रन के मार्जिन से जीत जाए तब भी इंडिया से फाइनल नहीं जाए। कमाल हो गया, यही वो जायचे हैं जो लगा रहे हैं इस वक्त इंडियंस। सही बात। वैसे हमारा भी कभी यही हाल था दोस्तों, लेकिन हम उस दफा कप जीत गए थे। अभी तो चेक करें, इंडिया इज द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर मुंबई एयरपोर्ट। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे पहले फारिग होकर जा रहे हैं। अच्छा जी, अगली है जनाब, कहता है इंडियन टीम को चाहिए कि न्यूजीलैंड से भागने के टिप्स ले और आज रात ही निकल जाए घर के लिए। ये दोनों टीमों पे टॉन्ट है जनाब कि वो टिप ले और भाग जाए। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 8 विकेटों से हरा दिया, पाकिस्तान अलर्ट हो जाए पड़ोसी मुल्क में रोने धोने की वजह से। अच्छा जी, इकरारुल हसन साहब ने भी कुछ शेयरिंग की है सोशल मीडिया पे। तकब्बुर, गरूर, नफरत और तासुब का यही अंजाम होता है। चले थे पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म करने, बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। हाँ जी, हाँ, बेशक इसमें कोई शक नहीं। संजीदगी से उनका उनके लिए खबर लिया जी उनकी, वाकई बड़ी संजीदगी से लिया। अच्छा, अफगानिस्तान क्या करेगा इंडिया के साथ? इंडिया के साथ बात तो ठीक है, करेगा क्या? नहीं, फर्ज करो अगर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को हरा देता है तो ठीक है, तो यार पीछे क्या रह जाएगा इनका? वैसे क्या करेंगे ये लोग? इनको पूरी मेहनत करनी चाहिए अफगानिस्तान से हारने की। एज ए मेंटोर धोनी को बुला लिया गया और ये खबर है नहीं अभी नहीं, शुरू से पाकिस्तान मैच में भी था एज ए मेंटोर। अच्छा, शुरू में, जबकि उनका कोच जो है अभी, यानी रिप्लेस करना है ना धोनी ने नेक्स्ट, और इस वक्त जो उनका कोच है उसको रिप्लेस करेगा धोनी। बिल्कुल ऐसे। और जो इस वक्त अंदर चल रही है क्रिकेट टीम में बहुत ले दे, क्योंकि इसकी कप्तानी खत्म हो रही है और राहुल द्रविड़ जो है वो कोच बनने वाला है नेक्स्ट, तो ये भी शिकार हो गई है टीम सियासत की। बिल्कुल हो गई। और वो नजर भी आ रहा है बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन हैरत की बात ये है कि जो हारने के बाद कोहली खुद कह रहे हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज शुरू से ही ठीक नहीं थी, तो ये क्या बकवास है? मुझे तो समझ में नहीं आई इस बात की कि कप्तान ये कह रहा है कि यार हमारी बॉडी लैंग्वेज ही ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी, बिल्कुल सही। भाई नहीं थी तो हम भी तो कह रहे नहीं थी, करो ना, पैसे किस लिए ले रहे हो करोड़ों अरबों? आपको पता है जी, ये विराट कोहली अमीर तरीन लोगों में से है, धोनी भी अमीर तरीन लोगों में से है इंडिया के। इंडिया वाले तुम्हें भगवान समझते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम पे मरते हैं। खुदकुशियों के रेट बढ़ गए 2 दिन में इंडिया के। क्या कर रहे हो सालो, अगर इस तरह करोगे तो करने दे सर। अच्छा, और ये वापस नहीं जाएंगे, ये कहीं इधर उधर निकल जाएंगे किसी और मुल्क में, इंडिया में नहीं जाना इन्होंने। आज से आईपीएल का नाम वर्ल्ड कप। भाई यही खेला करो बेटा, तो ये बंदा यही करता है ना, फला का नाम फला कर देता है, फला का नाम फला कर देता है। ये सुन रहे हैं कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंडिया। अच्छा जी, नेक्स्ट जी वो मौत ही होगी फिर इस सेकुलर स्टेट की। बिल्कुल, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई है जी इंडिया के लिए, तालियां तो बजा दो भाई। और इंडिया को मुबारक हो, उनकी दूसरी डोज भी कंप्लीट हो गई। अच्छा ये मीम है, भारत को आज वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग गई, सिक्योरिटी मुकम्मल हो गई है।
लेकिन अच्छे से खेले, ऐसा ना करे 100-100 स्कोर भी नहीं बन रहा तो मर्जी है फिर। एक महीना पहले की थी बात थी जी, पाकिस्तान क्रिकेट खेलना खतरनाक है, एक महीने बाद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना जबरदस्त भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा जी एक मिनट, ये आज की आला तरीन पेश करते हैं मीम, विराट कोहली टू नेवर्स भाई, एक दिन के लिए आसिफ, रिजवान, बाबर और चाइन मिलेंगे, जीत जाएंगे। आगे फहीम अलवी साहब ने शेयर किया, कंग्रेचुलेशन इंडिया फॉर द टेकिंग फर्स्ट विकेट एवर इन दिस टूर्नामेंट। अच्छा अभी तक विकेट है, एक विकेट भाई है, दूसरा मैच है ना, आज दो विकेट्स ली, दो विकेट्स ली, तो पहली दो विकेट्स ली ना यार उनकी। अच्छा जी आपने अगर ये मीम्स एंजॉय की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।